गुड मॉर्निंग बेटा आज क्लास एट्थ के बच्चे उर्दू बुक लेसन नंबर थ्री लल दीद का मखसर नोट पढ़ेंगे तो आओ बच्चों मखसर नोट पढ़ते हैं ललदेद सबक ललदेद का मखसर नोट जवाब लिखेंगे कश्मीर कश्मीर कदीम ज़माने से ही यानी प्राचीन ज़माने से ऋषियों संतों और सूफियों का घर रहा है इन बड़ी हस्तियों में एक अजीम खातून यानी बहुत बड़ी खातून ललजीज भी थीं वो श्रीनगर के पास गांव सेमपुरा में पैदा हुईं उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक उनकी शादी बचपन में ही करा दी गई ससुराल में ललजीज को बहुत तंग तंग व बुरा बुरा सलूक किया जाता था उसकी सास उसके खाने में पत्थर रखती थी ताकि चावल की थाली भरी हुई लगे एक बार उनके घर में बहुत बड़ी दावत हुई दूसरों दूसरे दिन जब उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि कल तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे तो लल दीद ने उनका जवाब कश्मीरी शेर में दिया जिसके मायने मानी थे मेंढा पके जा बकरा ललजीज की किस्मत में तो वही बटा है तो आखिर ससुराल बालों के जुल जुलम बर्दाश्त करती रहीं और एक दिन अपना घर छोड़ दिया और मस्त कलंदर की तरह जगह जगह घूमने लगी एक बार नीम ब यानी अर्ध अर्धनगन हालत में कहीं जा रही थी उनका सामना हज़रत अमीर कबीर मीर सैद अली रहमतुल्ला हमदानी से हुआ उनको देकर एक वह एक नानबाई के तंदूर में वह वह एक नानबाई के तंदूर में छुप गईं जब वो बाहर निकलीं तो खूबसूरत लिबास में थीं एक बार एक बार हज़रत अमीर रहमतुल्ला से मिली इनके अलावा हज़रत शेख नूरुद्दीन से भी मिलती रहीं दोनों बुज़ुर्ग लल के रूहानी मरतबा से मुतासर थे ललदीद एक फितरी शायरा थीं उन उनके कलाम को बहाख कहा जाता है कश्मीरी में बहाक कहते हैं उसको उनके कलाम का तर्जमा कई जमान, जमानों जुबानों में हो चुका है मुसलमान लल दीद को लल आरफा और हिंदू ललेश्वरी के नाम से याद करते हैं तो आओ बेटा आप डिफ़िकल्ट वर्ड जो तो डिफ़िकल्ट वर्ड ये हैं ऋषि मैंने जोगी संत मैंने परहेजगार सूफी मैंने परहेजगार व शौक़ मैंने यकीन वस्त मैने बीच में रवायत मैने हकायत जरबुल मिसल खबर मतरूक छोड़ा हुआ तो आगे बेटा सवाल पढ़ते हैं ये बुक पेज नंबर ट्वेंटी पे है ललदीद किस वजह से मशहूर है ललदीद अपनी शायर शायरी की वजह से मशहूर है अपनी शायरी की वजह से मशहूर है तो सवाल नंबर दो है ललदीद के ज़माने में कौन बुज़ुर्ग हजरत गुजरे हैं तो उनके ज़माने में जो बुज़ुर्ग थे हज़रत शेख नूरुद्दीन और हज़रत अमीर कबीर सयद अली रहमत हमदानी थे तो सवाल नंबर तीन हज़रत शेख नूरुद्दीन को दूध पिलाते वक्त ललदीद ने लल दीद ने क्या कहा वक्त ललदीद जी है पर लल लल दीद ने क्या कहा तो इसका जवाब है उन्होंने कहा था आप आपको जन्म लेने में शर्म नहीं आई दूध पीने में क्या शर्म है ये लफ्ज़ कहे थे उन्होंने तो नंबर चार क्वेश्चन है लल दीद कोई बातों में किन बातों का किन बातों की तलकीन की गई है यह नसीद की गई है तो जवाब में लिखा आली इंसानी और हलाकी कदरों की लल दीद सवाल नंबर पाँच है लल दीद किन किन दो नामों से पुकारा जाता है तो ये दो नाम हैं उनके लल लल और और ललेश्वरी लाल हम मुसलमान कहते हैं और हिंदू इसको ललेश्वरी के नाम से याद किया जाता है तो ओके बेटा आज के लिए बस इतना ही ये लेसन खत्म हो गया ओके बेटा